लखनऊ में काकोरी स्टेशन पर एक लूट की वारदात हुई जिसे कुछ क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था, जो इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। बाद में ब्रिटिश सरकार ने सीआईडी ऑफिसर तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में एक स्कॉटलैंड के तेज तरार पुलिस को इन क्रांतिकारियों को पकड़ने का जिम्मा दिया था, जिसमें लगभग 40 लोग पकड़े गए थे। और बाद में राजेंद्रनाथ लाड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां वारसी और ठाकुर रोशन सिंह को मृत्युदंड की सजा मिली थी। तो जब पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को सजा होनी थी तो ठीक उसके पहले उन्होंने खत अशफाक उल्ला खां के नाम लिखा था। मैं वही खत जो कि सागर साहब के कलम से है पढ़ रहा हूं। भाई अशफाक, आज खुशी का दिन भी है और बेहद उदासी का लम्हा भी। मैंने अपना घर बार जानो माल तो अपने देश पर कुर्बान कर ही दिया था, आज अपने एक भाई की बलि भी चढ़ा रहा हूं। अशफाक, तुमसे क्या छिपाना, मैं हिंदू हूं, कट्टर हिंदू, आर्य समाजी। जब आजादी की जंग शुरू हुई तो मैं शायद हिंदू राज का ख्वाब भी देखता था, लेकिन तुम्हारे खलूस, तुम्हारे रवैये और तुम्हारे कुर्बानी ने मुझे भी समझा दिया कि धर्म और मजहब आदमी का निजी मामला है, इससे आदर्श का कोई ताल्लुक नहीं। काश तुम फरार होने में कामयाब हो जाते और इस तहरीक को दुनिया के कोने कोने में फैला देते, तहरीक को मजबूत करते। काश ऐसा होता, लेकिन हुआ नहीं। और तुम अपनी जिंदगी की आखिरी पूंजी भी अपनी जान देकर अपने वतन पर मिटा रहे हो। मुझे सिर्फ इतना संतोष है कि मैं तुम्हारे साथ मर रहा हूं, इतनी ही खुशी है कि तुम्हें याद करते हुए मर रहा हूं। मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि देशवासी तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे, तुम उनके दिलों में बस जाओगे। साथी, अलविदा मेरे साथी, मेरे दोस्त, अलविदा। बिस्मिल का वो खत अशफाक साहब उसी जमादार को जो कि उनको पहुंचाता था उसको वापस करते हैं और कहते हैं कि चचा, ये बिस्मिल भाई का खत है, इसे संभाल कर रखना, यह हिंदू मुसलमान के इत्तेहाद की निशानी है, मेरी जिंदगी का सरमाया है, इसकी खुशबू फैला देना। और फिर बरतानिया हुकूमत के फैसले के अनुसार अशफाक का भी वक्त पूरा होता है, उन्हें फांसी दी जाती है। तसद्दुक हुसैन उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? अशफाक कहते हैं, कुछ आरजू नहीं है, है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में।